हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस DIY में मैं आपसे शेयर करूंगी कैसे आप अपने ओल्ड शर्ट की हेल्प से एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्रॉप टॉप क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आगे की आने वाली नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ शर्ट लिया है और शर्ट का जो दोनों के स्लीव का नीचे वाला हिस्सा है वहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके कट कर लिया है। तो यहाँ मैंने कट कर लिया है और जो बटन पोर्शन है वो मेरा बैक साइड पोर्शन बनेगा और जो बैक साइड है वो मेरा फ्रंट पोर्शन बनेगा टॉप का। अब हम इसे अगेन फोल्ड करेंगे। अब हम दोनों ही साइड से जो फोल्डेड साइड है वहाँ से हम 3 इंच लेंगे और जो अनफोल्ड साइड है वहाँ से भी हम 3 इंच की मार्किंग लेंगे लेंथ वाइज। अब हम यहाँ जो फोल्डेड साइड है वहाँ से हम मार्किंग लेंगे ब्रेथ वाइज 5 इंच की और ये सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे कर्व वे में और इसे सिंपली सीजर की मदद से कट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ऑल ओवर कट कर लिया है। अब जब आप इसे ओपन करेंगे तो हमारा टॉप का लुक कुछ ऐसा आएगा। अब इसके सारे रॉ एजेस को हमें हेम कर लेना है, कुछ इस तरह डबल फोल्ड करते हुए हमें हेम करना है। हमें यहाँ नीचे की कोई फिटिंग नहीं करना है। अगर आपको फिटिंग करना है तो आप इसके कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा लूज टॉप चाहिए था इसलिए मैंने कोई फिटिंग नहीं की है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ सारे ही रॉ एजेस को हेम कर लिया है। अब हमें स्लीव के लिए जो शर्ट की स्लीव है उसे हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद हमें जो शर्ट का जो साइड का स्टिचेस है उसे भी हमें रिमूव कर लेना है। उसके बाद जो शर्ट का आगे का पोर्शन है जो मेन शर्ट में होता है आगे का पोर्शन उसे भी हमने रिमूव कर लिया है कट करके। अब हम वहाँ से मेजर करेंगे आपको कितना लंबा स्लीव चाहिए। तो यहाँ मुझे 5 इंच की स्लीव चाहिए, तो 5 इंच पे मार्क करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है और इसे सिंपली सीजर की मदद से कट कर लिया है। इसी तरह हम अपनी दोनों ही स्लीव की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम एक एंड से इसे फोल्ड करेंगे। हमें उतना फोल्ड करना है कि हमारी इलास्टिक उसमें जा सके और जो दूसरा एंड है जो रॉ एजेस है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए स्टिचिंग दे देना है। इसी तरह हम अपने दोनों ही स्लीव को स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ हमने स्टिच कर लिया है। अब एक एंड से हम इलास्टिक पुट करेंगे। तो यहाँ हमने सेफ्टी पिन की हेल्प से इलास्टिक पुट कर रहे हैं। हमें उतना इलास्टिक पुट करना है जितना आपकी फिटिंग है। फिटिंग के हिसाब से आप इसे कट कर लीजिए। कट करने के बाद जो इलास्टिक का एंड पार्ट है उसे हमें स्टिच कर लेना है और स्लीव की जो साइड स्टिचेस है उसे भी हमें दे देना है। इसी तरह हम अपने दोनों ही स्लीव को स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ मेरी दोनों ही स्लीव रेडी हो चुकी है। मैंने इसकी साइड स्टिचेस भी दे दी चुका है। अब हमें इसे अपने टॉप पे अटैच करना है। तो टॉप के सारे ही बटन्स को ओपन करने के बाद जब हम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह हमारा लुक आएगा और आर्मोल पे हमें इसे अटैच करना है। तो टॉप को राइट साइड प्लेस करेंगे, उसके बाद दोनों ही साइड से 1.5 इंच पे मार्क करते हुए हमें स्लीव को अटैच करना है। हमने मार्किंग इसलिए किया है ताकि हमें उतनी ही दूरी पे अपने स्लीव को अटैच करना है और इसे सिक्योर पिन से सिक्योर कर रहे हैं ताकि आपको ईजिली से समझ में आएगा कि आपको इतनी ही दूरी पर आपको स्लीव को अटैच करना है कर्व पोर्शन में। तो इसी तरह मैंने अपने दोनों ही स्लीव को अटैच कर लिया है। अब हम सारे बटन्स लगा लेंगे बैक साइड के
और स्लीव पे हमें एक बो क्रिएट करना है। तो बो क्रिएट करने के लिए जो बाकी बचे हुए कपड़े से हम बो क्रिएट करेंगे। उसे कुछ इस तरह हम एक स्ट्रिप में कट कर लेंगे। ये मैंने 16 इंच के लेंथ वाइज कट किया है और ब्रेथ वाइज मेरा है 1 इंच का। इसे कुछ इस तरह दोनों ही साइड से फोल्ड करते हुए फिर अगेन एक फोल्ड देते हुए इस तरह मैंने अपने दोनों ही स्ट्रैप को रेडी कर लिया है और एक बो क्रिएट कर लिया है। टाई अप करने के बाद आप इसे नीडल थ्रेड की मदद से दोनों ही स्लीव के एंड पे से स्टिच कर लीजिए। तो देख रहे काफ़ी ये प्रिटी लग रहा है। अब हमें टिप पे जो टॉप का टिप है इस पे हमें एक स्ट्रैप ऐड करना है, वो मेरा 9 इंच का रहेगा। तो ये मैं बाकी बचे हुए कपड़े से कट किया है। इसे भी कुछ इस तरह हमें डबल फोल्ड करते हुए फिर एक और फोल्ड करेंगे और इसे स्टिच कर लेना है। इसी तरह हम अपने दोनों ही स्ट्रैप को स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ मैंने स्टिच कर लिया है। अब हमें इसे अपने टॉप पे कुछ इस तरह रखते हुए स्टिचिंग दे देना है। तो यहाँ मैंने स्टिच कर लिया है और ये मेरा आज का टॉप रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरा आज का सिंपल सा DIY पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय टिल द नेक्स्ट टाइम।